हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में, और हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन ये क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्लानिंग की है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, IIT JEE NEET वगैरह का, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि हमने अपने एक और चैनल कंपटीशन पाथ मेकर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप लोग का बहुत डिमांड था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, तो वो हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से वो अपलोड हो चुका है, तो आप वहाँ पर जाके IIT JEE NEET के लेवल का क्वेश्चन कर सकते हैं। वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हर चैप्टर का मैंने स्टार्टिंग में एक चैप्टर रिवीजन कॉन्सेप्ट रिवीजन पार्ट डाला है, जिसका PDF भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप PDF भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वो एक सिस्टमेटिक आपके पास नोट्स होगा, तो आप इस चैनल से बेसिक फाउंडेशन तैयार करिए अपने स्कूल एग्जाम के लिए, और उस चैनल से आप तैयार कीजिए कॉम्पिटिटिव के लिए। ओके, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये चैप्टर आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, और आप आज के क्लास के बाद इंटीग्रेशन का आप जरूर रिवीजन कर लेंगे। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स से आप इंटीग्रेशन का रिवीजन कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में इंटीग्रेशन बहुत यूज होने वाला है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड एंड रोटेशनल मोशन, सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टिकल्स क्या है, रिजिड बॉडी क्या है। पार्टिकल्स मतलब होता है किसी भी बॉडी का स्मॉल एलिमेंट है, वो पार्टिकल्स है, और पार्टिकल्स से फिर कोई सिस्टम बनता है, बॉडी बनता है, सिस्टम बनता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दैट मीन्स ए सिस्टम विच इज मेड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बॉडी से एक सिस्टम बनता है, वो सिस्टम कहते हैं उसको। और वो फिर रोटेशनल मोशन कैसे करता है, ये हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। और फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिजिड बॉडी। व्हाट इज रिजिड बॉडी? सबसे पहले हमको समझना है इस चैप्टर में रिजिड बॉडी क्या है। देखो, हमको इस चैप्टर में सॉलिड बॉडी के बारे में पढ़ना है। सॉलिड बॉडी आपको पता है कि जिनका एक डेफिनेट साइज एंड शेप होता है वो सॉलिड बॉडी होते हैं, लेकिन सॉलिड बॉडी में भी एक पार्ट होता है रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी हम किसको कहेंगे? आपको मालूम है कि किसी भी बॉडी पर, किसी भी पार्टिकल पर जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वह बॉडी अपने साइज एंड शेप को चेंज कर लेता है। उसको अपन फोर्स अप्लाई करें, हैमरिंग करें, हथौड़े से उसको मारें तो हमको टूट जाता है, या फिर उसका साइज चेंज हो जाता है। ये सॉलिड बॉडी में ये बिहेवियर आपको पता है, लेकिन रिजिड बॉडी एक इस तरह का बॉडी है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से, सपोज ये अपने पास कोई रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी में मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, और इस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से भी इस बॉडी के साइज एंड शेप में कोई चेंज नहीं हुआ, तब हम इस बॉडी को क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी कहेंगे। इफ बॉडी डजंट चेंज इट्स साइज एंड शेप बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड रिजिड बॉडी, बट इन बिहेवियर नो एनी बॉडी इज रिजिड बॉडी। बिहेवियर में कोई बॉडी रिजिड बॉडी नहीं, क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ फोर्स को इंक्रीज करने पर कभी ना कभी वह अपने साइज और शेप को चेंज कर लेता है। तो रिजिड बॉडी एक तरह से इमेजिनेशन है, एक इमेजिनरी कंडीशन है, लेकिन फिर भी हम उस बॉडी को रिजिड बॉडी मान के चलते हैं जिनके साइज और शेप के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स का जरूरत पड़ता है, तब हम उसको रिजिड बॉडी। सपोज अपने पास एक आयरन बॉल है, एक रबर बॉल है, तो आयरन बॉल को हम क्या रिजिड बॉडी सपोज कर सकते हैं, और रबर के बॉल को हम रिजिड बॉडी सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि रबर के बॉल में थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो अपने साइज और शेप को चेंज कर लेगा, लेकिन अपने पास कोई आयरन का पार्टी का आयरन बॉडी है, आयरन का बॉल है, उस पर हम थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो चेंज नहीं होगा, तो इस तरह के बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। ये रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास।
सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ। आप मेरा क्लास अटेंड करते हैं तो आपको पता होगा कि मेरा हमेशा पहले फोकस रहता है कि जब भी कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करूं तो उस चैप्टर में जो टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, जो टर्म्स यूज होते हैं, उस पर कमांड होना चाहिए। सपोज आप पूरा चैप्टर पढ़ लिए और आपको ये नहीं पता कि रिजिड बॉडी क्या है और बार बार बोल रहे हैं कि दिस इज रिजिड बॉडी, तो ऐसा समझ में नहीं आता। सेकंड कॉन्सेप्ट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास नाम से क्लियर है कि कोई ऐसा सेंटर होगा जहां पर टोटल मास सेंट्रॉइड होगा। देखो सपोज हमारे पास ये कोई एक रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी क्या है, डिफरेंट मास पार्टिकल से मिलके बना होगा। ये एक मास पार्टिकल है सपोज M1, ये पार्टिकल का मास सपोज M2 है, इस पार्टिकल का मास सपोज M3 है, एक पार्टिकल है M4, ऐसे बहुत से इनफाइनाइट नंबर ऑफ मास पार्टिकल से ये बॉडी बना हुआ है और सभी मास पार्टिकल का अपना अपना एक पॉइंट है जहाँ पर वो क्या है, एक्टिव है, उस पॉइंट पर उनका मास सेंट्रॉइड है। लेकिन पूरे बॉडी का, यदि हम पूरे बॉडी का जो टोटल मास है वो जिस पॉइंट पर सेंट्रॉइड होता है, दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज पॉइंट वेयर टोटल मास इज सेंट्रॉइड। सपोज दिस इज, ये सपोज ये सेंटर ऑफ मास है, क्लियर, इसको मैंने कह दिया सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास है, ये ग्रीन इंक से मैंने यहाँ पर जो बनाया, पूरे बॉडी का मास इस पॉइंट पर सेंट्रॉइड है तो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। और पूरा मास वहाँ पर अफेक्टेड होता है, उस पॉइंट पर वो सेंट्रॉइड होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अब इस बॉडी को एक सामान्य एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि सपोज मैं अपने हाथ में कोई बड़ा सा आयरन पीस रखा हुआ हूँ, पूरे हाथ में उसको आराम से रख सकता हूँ, लेकिन सपोज उस आयरन पीस में, सपोज ये आयरन का एक पार्टिकल है, बॉडी है, इसको मैं अपने हथेली में रख सकता हूँ, लेकिन सपोज इसमें हम इस तरह से एक नुकीला पिन अटैच कर दें, ये है वेल्डिंग कर दें या कुछ भी करें, रेटिंग से एक नुकीला पिन अटैच कर दें, और अब यदि इस पॉइंट को अपने हथेली पर रखने के लिए बोला जाए तो वो पिन हथेली के अंदर घुस जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने पूरे पार्टिकल को अपने हाथ में रखा था तो डिफरेंट पॉइंट पर मास क्या है, एक्टिव थे, लेकिन आपने इस पॉइंट को रखा तो पूरे बॉडी का मास जो कि सेंटर ऑफ मास से होके जा रहा है वो वहाँ एक्टिव हो जाता है। या वेइंग मशीन में हम इस केवल इस पॉइंट को रख दें तो इस पूरे बॉडी का वेट बता देगा। दैट मीन्स इस बात से पता चलता है कि किसी भी रिजिड बॉडी का के अंदर में कोई एक पॉइंट होता है जहाँ पर पूरे बॉडी का मास सेंट्रॉइड होता है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। और ये जो लाइन मैंने ड्रा किया सेंटर ऑफ मास से, इसके हर पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्टिव होगा, और जितने भी मास है यहाँ पर सब के सब का इफेक्ट इस पॉइंट पर सेंट्रॉइड है, मतलब अपना इफेक्ट वो इस पॉइंट पर शो कर रहे हैं, ये कहलाता है सेंटर ऑफ मास। लेकिन अब यहाँ पर ये सोचने की बात है कि क्या सेंटर ऑफ मास रिजिड बॉडी के अंदर ही होता है, जैसे मैंने यहाँ पर शो किया कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी हो सकता है, लेकिन ये होता है 2 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल सिस्टम एंड n पार्टिकल सिस्टम के लिए, क्लियर। तो आगे हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम, 2 पार्टिकल सिस्टम इन द सेंस, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, यहां पर ये सपोज अर्थ है और ये सपोज मून है, ये मून है और इसको हमने सपोज कर लिया अर्थ, अर्थ और मून 2 पार्टिकल सिस्टम हो जाएंगे। ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, दोनों मिलकर 2 पार्टिकल सिस्टम बनाएंगे और इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वह ना तो अर्थ के अंदर होगा ना तो मून के अंदर होगा, वह सेंटर ऑफ मास क्या होगा, दोनों के सिस्टम के बाहर होगा। ये इसका सेंटर ऑफ मास का पॉइंट मैंने बना दिया, ये पॉइंट। दैट मीन्स 2 पार्टिकल सिस्टम हो या 3 पार्टिकल सिस्टम हो, सपोज हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया और उसके कॉर्नर्स पर अलग अलग मास रख दिया, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तीनों मास से हटके कहीं पर और होगा, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर पर होगा। आगे मैं इसको बताऊंगा। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि किसी भी सिस्टम, अभी मैंने बता एक सिंगल बॉडी, एक सिंगल पार्टिकल, बट इफ वी हैव 2 आर मोर देन 2 पार्टिकल्स देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एनी
अदर पॉइंट इज फ्री पॉइंट, वो एक स्वतंत्र पॉइंट होता है जहाँ पर उस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड होता है। तो टू पार्टिकल सिस्टम में, अर्थ मून सिस्टम में इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग सिस्टम क्या होता है, बैलेंस होता है। हमारी पूरी गैलेक्सी अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ मास क्या है, बैलेंस है। अदरवाइज वो डिसबैलेंस हो जाता, मून का पोजीशन, अर्थ का पोजीशन, ये सब क्या होता है, डिसबैलेंस होते रहता। लेकिन सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटेशन सेंटर के अकॉर्डिंग ये पूरा सिस्टम हमारा क्या होता है, बैलेंसिंग कंडीशन में होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। तो ये टू पार्टिकल सिस्टम है जो बाहर हो सकता है। अब यदि हम टू पार्टिकल सिस्टम एन पार्टिकल सिस्टम के लिए इसके फार्मूला देखें तो ये कुछ फार्मूला आप ध्यान रखना। देखो अलग अलग सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है ये डिफाइन है कि रेक्टेंगुलर लेमिना है तो कहाँ होगा, सिलेंडर का कहाँ होगा, स्फेयर का कहाँ होगा। ये टोटल कलेक्शन मैं कॉम्पिटिटिव पैटर्न पर अलग से नोट्स बना रहा हूँ, इसलिए मैंने अलग चैनल बनाया कि यदि सब टॉपिक मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूँ तो बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा। तो आपको कॉम्पिटिटिव स्टाइल पर जो नोट्स मिलेगा वो मेरे दूसरे चैनल में मिलेगा, कॉम्पिटिशन पाथ मेकर पर, CPM में मिलेगा। तो वहाँ पर मैंने पूरा एक सिस्टमेटिक चार्ट बनाया है, अभी वो चैप्टर में आऊँगा तो अपलोड करूँगा, जहाँ पर किस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है वो मिलेगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ओके चलो नेक्स्ट अपन यहाँ पर देखें सेंटर ऑफ मास के फार्मूला कि सेंटर ऑफ मास को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, हेलो स्टूडेंट्स, अनएकेडमी लेके आया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ऑल 6 सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए, मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में पूरा आपका स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन, जिसमें आपको महाराष्ट्र के 50 प्लस टॉप एजुकेटर्स से आपके पढ़ने को मिलेगा। और इस कोर्स में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल होंगे। फ्री क्लासेस आपको लेने हैं तो आप अनएकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, जितेंद्र सर लाइव, ये कोड यूज़ करके आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करके आप हमारे सभी फ्री क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लासेस, बेस्ट स्ट्रेटजी एंड टॉपिक टू क्रैक एग्ज़ाम, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, फ्री डेली क्विज, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, लीडर बोर्ड, ये पूरी फैसिलिटी आपको फ्री में मिलेगी। और यदि आपको हमारा फ्री क्लास पसंद आता है तो आप ले सकते हैं, आपको इस फ्री क्लास में ये पूरी फैसिलिटी मिलेगी और आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो सिर्फ 250 रुपीज़ पर मंथ पर सब्जेक्ट आपको पेड करने होंगे। और आप यदि हमारा कोड यूज़ करते हैं जितेंद्र सर लाइव तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप यदि 10th और 9th क्लास के महाराष्ट्र बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये जरूर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। टू पार्टिकल सिस्टम, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम यहां पर देखो एक ग्राफ के हेल्प में आपको इसको बता रहा हूं। यहाँ फिगर में देखो एक बॉडी ये है, इसका मास सपोज M1 है, एक ये है इसका मास सपोज M2 है, और ये जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है, जैसे मैंने अर्थ और मून बताया। क्लियर, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। इस तरह से हम इसको मिला दें, ये ओरिजिन है। तो फर्स्ट का सपोज डिस्टेंस R1 है, वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज
R1 and second is vector R2, then this is center of mass, that means RCM. ये है RCM, center of mass. ये x axis है, ये y axis है. तो suppose हमने two particle system यहाँ represent किया M1, M2 और ये इसका center of mass है. तो यहाँ पर two particle system के लिए center of mass निकालने का formula होता है RCM equal to M1 R1 plus M2 R2 upon M1 plus M2. ये है two particle system. तो टू पार्टी का सिस्टम में सेंटर ऑफ मास इस फार्मूला से निकलता है. अगेन यदि हम इसको फॉर एन पार्टी का सिस्टम करें, फॉर एन पार्टिकल आर सी एम इक्वल क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एंड सो ऑन एम एन आर एन अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एंड सो ऑन प्लस एम एन. ये एन पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास निकालने का फार्मूला है. तो ये फार्मूला आप लर्न करके रखेंगे, इस फार्मूला के हेल्प से आपको सेंटर ऑफ मास में न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएंगे. ठीक है, बाद में जब अपन मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इस चैप्टर का तो आपको बताऊंगा कि ये सब फार्मूले कैसे यूज होते हैं. सबसे पहले देखो, फिजिक्स में किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करने का जो स्टेप है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड आफ्टर दैट फार्मूला एंड देन न्यूमेरिकल. सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उसमें जो फार्मूले आते हैं वो फार्मूला, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ मास क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई सेंटर ऑफ मास पूरे बॉडी पर या बॉडी के बाहर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पूरे सिस्टम का या बॉडी का मास सेंट्रॉइड होता है. फिर हमने उसका फार्मूला देखा, अब इस पर आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाता है. तो ये है एन पार्टिकल सिस्टम के लिए फार्मूला. क्लियर, अब हम देखते हैं इस चैप्टर में. आज का क्लास मेरा इसका बेसिक फाउंडेशन पर ही है, छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन यहाँ पर मैं बेसिक फाउंडेशन को क्लियर कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट में उसको हम डिटेल में जाके करेंगे. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फोर्स ऑफ कपल. फोर्स ऑफ कपल, व्हाट इज फोर्स ऑफ कपल? देखो नाम से क्लियर है, फोर्स ऑफ कपल मतलब फोर्स का पेयर, कपल. कपल में जब मतलब एक साथ जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं फोर्स ऑफ कपल होता है, लेकिन वो कंडीशनल होता है. किस तरह से अप्लाई करते हैं देखो, ये सपोज एक रॉड है. अब इस रॉड में मैंने इस पॉइंट पर एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स F1, और इस पॉइंट पर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, सपोज फोर्स F2. इस रॉड पर मैंने टू फोर्स एक साथ अप्लाई किया और यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है. और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, एफ एफ हैं दोनों. तो टू इक्वल फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन. जस्ट अपोजिट में है, देखो ये अपवर्ड है तो डाउनवर्ड है. तो किसी भी बॉडी पर, किसी भी बॉडी पर या किसी भी सिस्टम पर टू इक्वल फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो तब हम उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कपल. एक फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा हो और दूसरा फोर्स उसके अपोजिट नहीं बल्कि किसी और डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ कपल नहीं होगा. सपोज इस फोर्स को मैं इधर लगा दिया तो ये फोर्स ऑफ कपल नहीं होगा. ओ ये तो इरेज हो गया, चलो दोबारा बनाता हूँ. इरेज पर था तो इरेज हो गया. ये सपोज यहां फोर्स एफ और इधर फोर्स एफ, तो ये कहलाता है फोर्स ऑफ कपल. अब किसी भी बॉडी पर जब फोर्स ऑफ कपल अप्लाई होता है तो बॉडी क्या होने लगता है, रोटेट होने लगता है, वह अपने एक्सिस पर रोटेट होने लगता है. और यही क्या है, इसके रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट है. अब यहाँ पर देखो ये बॉडी क्या होगा, इसके अबाउट रोटेट होने लगेगा, इस तरह से रोटेट होने लगेगा इस डायरेक्शन में, आप समझ सकते हैं. ठीक है,
इस डायरेक्शन में वो रोटेट होने लगेगा। ये कहलाता है फोर्स ऑफ कपल। तो फोर्स ऑफ कपल का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्ट ऑन ए बॉडी देन दे आर कॉल्ड फोर्स ऑफ कपल। लेकिन जब फोर्स ऑफ कपल होता है तो फोर्स ऑफ कपल के बाद उसमें जो डेवलप होता है वो है टार्क। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टार्क। व्हाट इज टार्क? ये होता है टार्क। तो टार्क क्या है, देखो टार्क एक फोर्स है। टार्क इज ए फोर्स, टार्क फोर्स भी कहते हैं अपन इसको। और ये क्या होता है, ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। टार्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टास है या टाउ भी कहते हैं अपन इसको, ग्रीक लैंग्वेज है। और इक्वल टू होता है एनी वन फोर्स ऑफ द फोर्स ऑफ कपल, दोनों फोर्स में से, फोर्स ऑफ कपल में से कोई एक फोर्स, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो सपोज इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ए बी पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए बी। तो टार्क क्या हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ वन फोर्स ऑफ द फोर्स ऑफ कपल एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड टार्क। मतलब जहां पर फोर्स ऑफ कपल होगा वहीं पर टार्क डेवलप होगा। टार्क एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड ओनली डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर देखो, सपोज ए और बी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने डी ले लिया। सपोज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है तो ये हो जाएगा दैट इक्वल टू एफ इंटू डी, ये टार्क हो जाएगा। लेकिन ये इसका सिंपल डेफिनेशन है। अब यहाँ पर देखो कि सपोज ये फोर्स का डायरेक्शन है वो यहाँ ना लग के कुछ एंगल बनाते हुए फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। सपोज फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से है, ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन, कंप्लीट लाइन ड्रा करें, ये सपोज फोर्स का डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन हो जाए तो यहाँ पर भी फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि फोर्स का डायरेक्शन जस्ट क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो जब इस फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाए इस डायरेक्शन में, तो ये वाला भी डायरेक्शन इस तरह से इधर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट फोर्स होना चाहिए। और ये सपोज इनिशियल कंडीशन से थीटा एंगल बना के लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में यदि थीटा एंगल बना के हम फोर्स अप्लाई करें तो दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अब वो ये नहीं होगा। तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, देखो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, सपोज सी, ए सी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी जब फोर्स इस तरह से लगे हुए थे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी था, लेकिन फोर्स को हमने थीटा डिग्री इधर बेंड करके लगा दिया, तो उस कंडीशन में जो फोर्स, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ए सी होगा। तो इस कंडीशन में देयर फॉर टाई इक्वल टू परपेंडिकुलर एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस इज ए सी। अब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम ए सी का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो देखो ये थीटा है, तो थीटा है तो इस तरह से देखो ये आपको यहाँ पर एंगल को आप, इसको हम थीटा सपोज करें। थीटा किसी को भी ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ भी ले सकते हैं, वर्टिकल के साथ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थीटा इसको ले रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फार्मूला वही आएगा। सपोज हमने थीटा इसको लिया, तो ये थीटा है तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी क्या हो जाएगा थीटा। यदि इसको लेता तो ये थीटा होता, फिर इसको 90 माइनस थीटा करता और वही आता। तो यहाँ पर देखो हमको ए सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज ए सी एंड हाइपोटेनियस इज ए बी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, देयर फॉर द वैल्यू ऑफ ए सी इज ए बी साइन थीटा एंड ए बी इज डी, तो हो जाएगा डी साइन थीटा। तो ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। तो उस कंडीशन में टार्क का फार्मूला हो जाएगा एफ इंटू डी साइन थीटा। ये टार्क निकालने का एक और फार्मूला है जो इस फॉर्म में है। ये टार्क कब निकलेगा, जब दोनों के बीच क्या हो, डायरेक्ट परपेंडिकुलर हो दोनों बॉडी पर, लेकिन थीटा एंगल बनाया हो, तो इससे निकलेगा। और इसी फार्मूला को हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो आपको वेक्टर अलजेब्रा से पढ़ा पता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। हमने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। तो एफ इंटू डी को क्या लिख सकते हैं,
टाई इक्वल टू लिख सकते हैं एफ क्रॉस डी। तो इस फार्मूला के हेल्प से भी हम मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का यदि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने बेसिक मैथमेटिकल टूल में सब आपको समझाया है, यदि आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल में कहीं प्रॉब्लम आता है तो मेरे कंप्लीट सीरीज है उस पर स्टार्टिंग में बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, वहां से आप देखिए, जहां से आपको कैलकुलस अच्छा होना चाहिए, आपका वेक्टर अच्छा होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा सबके मैंने वीडियोस अवेलेबल कराए हैं। तो ये होगा एफ डी साइन थीटा या टाई इक्वल टू एफ क्रॉस डी। इस फार्मूला को कब यूज करेंगे, जब हमको थीटा पता होगा, एफ और डी पता होगा। ये कब यूज करेंगे, जब एफ और डी का वैल्यू हमको किस फॉर्म में दिया हो, वेक्टर फॉर्म में दिया हो। अब यहाँ पर हम कुछ स्पेशल केस देखते हैं, इसके स्पेशल केस सिंस एफ सिंस टा इक्वल एफ डी साइन थीटा। अभी हमने पढ़ा टा इक्वल टू एफ डी साइन थीटा, स्पेशल केस फर्स्ट इफ थीटा इज जीरो डिग्री, यदि थीटा जीरो डिग्री हो देन टाई इक्वल टू एफ डी साइन जीरो एंड देन जीरो, साइन जीरो क्या हो जाता है जीरो, तो टा जीरो होता है और उस समय टा क्या होता है मिनिमम होता है, ये मिनिमम टार्क होता है। दैट मीन्स यहाँ पर देखो आप इस फार्मूला को, ये जो थीटा है यदि जीरो हो जाए तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और फोर्स का डायरेक्शन जब उस बॉडी के पैरेलल हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो टार्क होगा मिनिमम होगा और वो जीरो टार्क होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये टार्क जीरो हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में हम देखें, इफ थीटा इज 90 डिग्री देन टाई इक्वल टू एफ डी साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, तो साइन 90 डिग्री साइन का सबसे बड़ा वैल्यू है, तो उस समय टार्क क्या हो जाएगा मैक्सिमम होगा और वो इक्वल होगा एफ इंटू डी, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको फार्मूला बताया था वो मैक्सिमम टार्क का फार्मूला था। तो टा मैक्सिमम होता है एफ इंटू डी, मैक्सिमम टार्क के लिए हमको थीटा को क्या रखना चाहिए 90 डिग्री रखना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर कुछ डेली लाइफ में एग्जांपल है इसके, देखो सम एग्जांपल इन डेली लाइफ। आपने देखा होगा कि जब हमको टार्क एक तरह से वर्क है, वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी होता है, टार्क इक्वल टू भी एफ इंटू डी होता है, लेकिन वर्क स्केलर क्वांटिटी है, उसे हम कंपेयर करें तो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट दिस इज डार्क प्रोडक्ट एंड टार्क इज एफ क्रॉस डी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो टार्क और इसमें ध्यान रखना दोनों का मैथमेटिकल जो फार्मूला है वह सेम है, लेकिन दोनों के बिहेवियर क्या हैं अलग हैं, एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क एंड टार्क दोनों एफ इंटू डी होते हैं। तो टार्क हम कहीं अप्लाई करते हैं, जैसे किसी बॉडी को हमको रोटेट करना होता है तो टार्क अप्लाई करते हैं, जैसे हम व्हीकल ड्राइव करते हैं तो स्टेयरिंग को दोनों हाथ से पकड़ते हैं, ये हैंड इधर टर्न होता है तो ये पीछे टर्न होता है, या साइकिल या बाइक चलाते हैं इस तरह से पकड़ के हम ऐसा मूव करते हैं, यदि हमको कार का को ओपन करना हो बॉटल का या पेन का तो हम उसको इस तरह से करते हैं, या नल का कैप है ऐसा राड वाला कैप है तो अंगूठा यहाँ लगाते हैं, उंगली यहाँ लगाते हैं, मतलब जहाँ भी हमको बॉडी को रोटेट करना होता है हम फोर्स ऑफ कपल लगाते हैं, किसी भी चीज़ को हमको रोटेट करना होता है तो हम दोनों हाथ से एक साथ फोर्स ऑफ कपल अप्लाई करते हैं। अब टार्क जैसे किसी बॉडी को रोटेट करना है तो हमने अभी देखा है कि टार्क इक्वल टू होता है एफ इंटू डी, तो सपोज अपने पास फोर्स कांस्टेंट हो, सपोज ये फोर्स को हमने कांस्टेंट कर लिया तो जो टार्क होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस के। दैट मींस मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ कि सपोज हमारे पास फोर्स का रिसोर्स कांस्टेंट है, सपोज मेरे पास 10 न्यूटन का फोर्स है और मुझे कहीं वर्क करना है तो फोर्स तो मैं इंक्रीज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम फोर्स 10 न्यूटन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ डी को इंक्रीज करके, यहाँ पर हम डी को इंक्रीज करके टार्क इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि सपोज ये कोई व्हील है, ये चक्का है, ये पंचर हो गया ट्रक का कार का, इसमें बोल्ट लगा हुआ है, अब जब इसको हमको ओपन करना होता है तो इसमें हम क्या करते हैं एक इस तरह से सिस्टम पाना लगा देते हैं, लेकिन यहाँ से पकड़ के हम इसको
दबाएं तो ये नहीं खुलता, तब हम इसमें क्या करते हैं, एक लंबा राड लगा के यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को जब हम इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज करने से टार्क भी इंक्रीज होगा और इसको आसानी से ओपन कर पाएंगे। आपने देखा होगा ट्रक या बड़े बड़े व्हीकल के टायर पंचर हो जाते हैं तो ड्राइवर वहाँ पर नट लगा के दूर से राड लगा के उस पर फोर्स करते हैं। यह बहुत सिंपल एग्जाम्पल, आपको बहुत से एग्जाम्पल हैं इसके, डेली लाइफ में बहुत एप्लीकेशन है। आपने ऐसा देखा होगा कि ये सपोज हमारा बोरिंग है, नल है, तो यहाँ पर ये जो राड होता है पंपिंग करने के लिए, नल से वाटर पंप करने के लिए, तो हम फोर्स यहाँ नहीं लगाते हैं, फोर्स यहाँ लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्क करना है तो ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही आसानी से हम इसको पंप कर पाएंगे। या डोर होता है, जैसे हमारा ये डोर लगा होता है घर में, तो डोर में जो हैंडल होता है डोर को ओपन करने के लिए, तो ये इसका रोटेशनल एक्सिस है, तो हैंडल को कारपेंटर एक किनारे में लगाता है। यदि डोर के हैंडल को वो जहाँ रोटेट होता है उसके पास लगा दें, हम डोर ओपन नहीं कर पाएंगे। ऐसा इन बहुत से एग्जाम्पल हैं। दैट मीन्स टार्क एक हमारे डेली लाइफ में बहुत एप्लीकेबल है। जितना हम फिजिक्स में यहाँ पर टार्क पढ़ते हैं उससे ज़्यादा, वैसे फिजिक्स सब्जेक्ट का नेचर ही है कि फिजिक्स क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जाता। मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ कि क्लासरूम में फिजिक्स के थ्योरी पढ़े जाते हैं, लेकिन वो दिखता है हमको क्लासरूम से बाहर, दैट मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, डेफिनेशन ही है उसका। नेचर में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी वर्क, जितने भी सिस्टम हम देख रहे हैं, वो सब फिजिक्स के किसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो टार्क का आपने यूज समझ लिया इस तरह से। या आपने देखा होगा जो स्क्रू ड्राइवर होता है, तो स्क्रू ड्राइवर ऐसा बहुत लंबा स्क्रू ड्राइवर हम बनाते हैं, यहाँ पर इसका हैंडल होता है पकड़ घुमाने के लिए और पॉइंट यहाँ होता है। चाहते हैं तो इसको छोटा बना लेते हैं, लेकिन छोटा सा स्क्रू ड्राइवर से हम किसी स्क्रू को ओपन नहीं कर सकते। स्क्रू ड्राइवर का लेंथ जब ज़्यादा होता है, या आपने किसी मैकेनिक को देखा होगा कोई स्क्रू ओपन नहीं होता तो वो लंबा वाला पेचकस वहाँ पर लगाता है, लंबा वाला स्क्रू ड्राइवर लगाता है और आसानी से खोल देता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस को, रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस को जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे टार्क उतना ही ज़्यादा होगा। ये फार्मूला हमको बताता है टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो ये मैंने क्लास में, हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर अप्रोच करेंगे, और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा है, आगे चल के बहुत बड़े बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो आप फंडामेंटल अच्छे से तैयार कीजिए, और एक मेरा आपको सजेशन है कि आप इंटीग्रेशन का अच्छे से रिविज़न कर लीजिए। यदि आपने मेरा पहले का चैनल नहीं देखा होगा तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में जाके आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवाइज करिए। इस चैप्टर में हमको इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। ओके, थैंक यू।